तो हेलो गाइस, बाकी दो सीजन 4 एपिसोड 3 के शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ डॉक्टरों में से एक डॉक्टर जिनका नाम जॉन्स होता है, उन्होंने सॉफ्ट टिश्यूज को रिकवर करना सीख लिया होता है और इसी खोज की वजह से वो किसी के भी डीएनए को सॉफ्ट टिश्यू में बदल के उसकी पूरी जानकारी निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी खोज के बारे में पूरी दुनिया को बता देते हैं। तो अब इसके बाद डॉक्टर जॉन्स के पास एक पर्सन आता है, वो डॉक्टर जॉन्स को एक काम करने को बोलता है और डॉक्टर जॉन्स इतना सारा पैसा देख के उस काम को करने के लिए मान जाते हैं। तो अब सीन शिफ्ट होता है और वही हमें पता चलता है कि तोकुगावा ने उसी पर्सन को डॉक्टर जॉन्स को यहाँ पे लाने के लिए भेजा होता है। अब वही तोकुगावा डॉक्टर जॉन्स से कहता है, मुझे आपकी खोज के बारे में पता चला तो इस वजह से मैंने यहाँ पे आपको एक काम के लिए बुलाया है। मुझे कुछ समय पहले एक बहुत ही खतरनाक स्वॉर्डमैन की बॉडी मिली है, तो मैं चाहता हूँ कि आप उसका क्लोन बनाएं। तो ये सुनकर डॉक्टर जॉन्स कहते हैं, देखिए आप जो कह रहे हैं वो करना बहुत ही मुश्किल है और आज तक ऐसा किसी ने भी नहीं किया है। पर वही तोकुगावा उसे बताता है, मुझे पता है ये करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मेरे पास एक टीम है जो ये करने में आपकी मदद कर सकती है। तो सबसे पहले आप उसे जाके देख लीजिए, फिर डिसाइड करें कि आपको क्या करना है। तो तोकुगावा की ये बात सुनके डॉक्टर जॉन्स कहता है, ठीक है, लेकिन सबसे पहले मैं उस बॉडी को देखना चाहता हूँ। जिसके बाद वो दोनों उसी जगह पे जाने के लिए निकल जाते हैं। तो अब तोकुगावा डॉक्टर जॉन्स को अपने लैब में लेके आ जाते हैं और वही डॉक्टर जॉन्स तोकुगावा के लैब को देख के बहुत ही हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट हो रहे होते हैं जो डॉक्टर जॉन्स ने सोचे भी नहीं होते हैं। तो अब हम उन दोनों को मुसाशी मियामोटो की बॉडी के पास देखते हैं और वही मिस्टर जॉन्स मुसाशी की बॉडी को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद वो तोकुगावा से अकेले में बात करता है और उससे कहता है, आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं मैं उसमें आपका साथ देना चाहता हूँ, तो प्लीज आप मुझे इस एक्सपेरिमेंट में एक बार काम करने का मौका दीजिए। तो तोकुगावा उसकी ये बात सुन के उसे एक्सेप्ट कर लेता है और वही मिस्टर जॉन्स खुशी के मारे तोकुगावा को हक कर लेता है। तो अब सीन शिफ्ट होता है, हम कासुमी और सिबुकावा को देखते हैं। फिर तभी कासुमी सिबुकावा को लात मारने जाता है, पर तभी सिबुकावा उसके हमले को समझ जाता है और उसका हाथ पकड़ के उसे गोल घुमा देता है। लेकिन इसी बीच कासुमी खुद को पलटा देता है और सिबुकावा के चेहरे पे एक किक मारता है। वही सिबुकावा उस किक से बच जाता है, लेकिन उसके चेहरे पे हल्की सी चोट लग जाती है। तो अब कासुमी कहता है, मुझे ये बात पता थी कि आपका डिफेंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, जिस वजह से मैंने फिर से आप पे अटैक किया, लेकिन उससे भी आप बच गए। अभी ना मुझे लगता है कि मुझे अपने पैरों को स्ट्रांग करना पड़ेगा, क्योंकि इसी से ज्यादा लड़ाइयां लड़ सकता हूँ, क्योंकि हाथों के भरोसे तो मैं नहीं रह पाऊंगा। तो अब सिबुकावा कासुमी की तारीफ करते हुए कहता है, तुम्हें पता है अभी तुमने मुझ पे जो अटैक किया था, अगर मैं उससे नहीं बचता तो मैं यहीं पे ही मर जाता। तुम्हारी किक बहुत ही पावरफुल है, अगर तुमने उसे और मेहनत करके और इम्प्रूव किया तो तुम एक और अच्छे फाइटर बन सकते हो, पर तुम फिक्र मत करो, मैं ये करने में तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। तो अब हम उन दोनों को चाय पीते हुए देखते हैं। तो वही सिबुकावा कासुमी से कहता है, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि तुम्हारे डैड डोपोरोची ने फिर से ट्रेनिंग शुरू कर दी है। उन्होंने शुरुआत से ये सब स्टार्ट करके बहुत ही अच्छा किया है, क्योंकि जिस भी मार्शल आर्ट की बेसिस बहुत ही अच्छी होती है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। और तुम्हें ये बात पता है कि मोटो हाना ने भी अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी है, और तुम्हें वो डॉक्टर तो पता ही होगा जिसका नाम कुरेहाना है, उसने भी अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी है। हाँ, ये बात अलग है कि वो एक डॉक्टर है, लेकिन वो बंदा खुद को बहुत ही स्ट्रांग बनाना चाहता है। तो वही इसके साथ साथ जैक हनमा, रेसू, ओलिवा और हानायामा, इन्होंने भी अपनी ट्रेनिंग को फिर से स्टार्ट कर दिया है। इस सब की शुरुआत तभी से हुई है जब इन सब ने उन दोनों बाप बेटे की लड़ाई को देखी है, और इसी वजह से ये लोग इसलिए स्ट्रांग होना चाहते हैं ताकि ये लोग उन दोनों में से किसी को चुनौती दे सके। तो सिबुकावा के ये बस उनके कासुमी सिबुकावा से कहता है, अगर ऐसी बात है तो आपने ट्रेनिंग क्यों नहीं शुरू की। तो वही सिबुकावा बताता है, पहले मेरा मन लड़ाई से उड़ चुका था, मुझे फाइट में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब से मैंने इन दोनों बाप बेटे की लड़ाई को देखा है तो तब से मेरे अंदर भी लड़ाई करने की उत्सुकता बढ़ गई है, इस वजह से मैंने भी अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है। फिर तभी से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं
कि बाकी के घर के पास की जो गलियां होती है वो पूरी भर चुकी होती है, क्योंकि उस लड़ाई के बाद बहुत सारे लोग बाकी के फैन बन चुके होते हैं, पर वही कोई बाकी को हेट भी करता है। और उन्हीं लड़कों ने बाकी के घर के आसपास बाकी के बारे में बुरा बुरा लिखा होता है, क्योंकि ये बात तो सबको पता है कि कोई भी बाकी के मुंह पे उसे कुछ नहीं कह सकता है। तो इस वजह से वो लोग बाकी के बारे में यहाँ पे कुछ भी लिख के भाग जाते हैं। फिर तभी हम बाकी के घर को देखते हैं, जहाँ पे बाकी अपने बेसमेंट में अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। हम देखते कि ट्रेनिंग कर करके बाकी की हालत बहुत ही बुरी हो चुकी होती है, वो खुद के शरीर को तक हिला नहीं पा रहा होता। अगर दूसरा कोई बंदा उसके जैसी इतनी ट्रेनिंग करता तो वो यहीं पे ही मर चुका होता। एंड वही बाकी मन में सोच रहा होता है कि ये ट्रेनिंग भी कम है, मुझे और ज्यादा ट्रेनिंग करनी होगी, क्योंकि मुझे खुद को और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाना है। मगर तभी हम देखते कि उसे किसी तरीके की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुन के वो एकदम से उठ जाता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।